हेलो एवरीवन, दिस इज़ विक्रांत शर्मा। आज हम बात करेंगे हाउ आई मेड 6 लाख रुपीज़ इन जस्ट वन ट्रेड। ओके, सबसे पहले मैं आपको ट्रेड का नाम बताऊंगा। ट्रेड का नाम है गोट फ्राई फ्लिप, राइट। ये गोट फ्राई फ्लिप का ट्रेड मैंने यूट्यूब के वीडियो पे भी शेयर किया था, आप पास्ट वीडियो में जाके देख सकते हो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। मैंने गोट फ्राई फ्लिप का ट्रेड यूट्यूब पे आई थिंक 1200 के लेवल पे, 1200 के लेवल के अराउंड दिया था। उसके बाद इसने 30-35% का रिटर्न दे चुका है वो वहां से इन जस्ट 20 ट्रेडिंग सेशंस। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा, कितना अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है कंटिन्यूस में। इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, बट मैं एक बार और फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपको मालूम है, मैंने कई वीडियो में भी समझा है अपने कि मार्केट और लाइफ साइकिल में चलती है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन था सितंबर 11 से तो 15 का, 4 ईयर का कंसोलिडेशन था, जिसमें प्राइस 800-400 की रेंज में चल रहा था। जैसे ही इसने 800 को ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हो विद इन अ फ्यू वीक्स इसने 1600 के लेवल को टच किया। उसके बाद आप अगेन देख सकते हो कि उसके बाद यहाँ पे 15 से 22, 7 ईयर का कंसोलिडेशन है। तो वहाँ पे 4 ईयर के कंसोलिडेशन में स्टॉक अगर डबल हो सकता है, तो 7 ईयर के कंसोलिडेशन में चांसेस बहुत ज़्यादा है कि यहाँ 2.5x to 3x हो सकता है यहाँ से स्टॉक बिल्कुल। अब हम उसके पिछले जो हिस्ट्री देखें, वहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जब 400 को ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे भी स्टॉक ने 2 या 3 मंथ में यहाँ पे 50-60% डन दिया था। तो जो स्टॉक का बिहेवियर है, हमने वो समझ लिया कि स्टॉक जब भी कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट देता है तो वो अच्छे मोमेंटम के साथ कम टाइम में अच्छा रिटर्न दे देता है। तो ये टेक्निकल था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके पीछे का लॉजिक भी समझा दिया मैंने आपको। यहाँ पे एक कॉन्ट्रेक्शन पैटर्न था जो बन रहा था, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिजेक्शन को मिला है रेजिस्टेंस जोन के नीचे। 1500-1600 रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से फर्स्ट टाइम रिजेक्शन दिया उसने 15 में, सेकेंड टाइम दिया 19 में भी दिया, उसके बाद 20 में दिया। उसके बाद यहाँ पे आप देखने को मिल सकता है कि यहाँ पे वॉल्यूम तो कम था, बट जो इसके सेक्टर था वो फेवरेबल था। ITC भी ऊपर जा रहा था, जितने भी सिगरेट कंपनीज, टोबैको कंपनीज थी वो साथ में मोमेंटम दिखा रही थी, तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे कि ये स्टॉक मोमेंटम दिखाएगा और ब्रेकआउट दे देगा, इसलिए मैंने आपको ट्रेड भी शेयर किया था। अब मैं चलता हूँ अपने होल्डिंग के बारे में कि मैंने कहाँ से होल्ड कर रखा है, कितनी क्वांटिटी ले रखी है और मुझे कितना अभी प्रॉफिट चल रहा है। सबसे पहले चलते हैं हम कंसोल पे। आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये नेट अनरियलाइज्ड पीएनएल दिखा रहा है 6 लाख के अराउंड। मुझे 30% के अराउंड गेन चल रहा है स्टॉक में। बाइंग एवरेज मेरी 1280 से है और जो बाय वैल्यू है वो 20 लाख के अराउंड मैंने बाय कर रखा है 1600 क्वांटिटी। तो अभी थोड़ा टाइम और मैं इसे रखूंगा, क्योंकि सैटरडे को आई थिंक इसका रिजल्ट है, तो उसके पहले मैं हाफ एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, या फिर हो सकता है कि मैं 70% भी एग्जिट कर दूं, अकॉर्डिंग टू मार्केट सिचुएशन एंड कितना मोमेंटम ये 3 या 4 दिन में दिखाता है। आई होप आपको यहां से कुछ ना कुछ जरूर मिली होगी। आगे जब भी ऐसे ट्रेड आएंगे मैं बिल्कुल यूट्यूब पे और अपने ट्विटर पे भी शेयर करूंगा। आई होप आपको इस ट्रेड का लॉजिक आपने समझा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।